अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माय नेम इज़ अमारा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल अमारा तलत। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स किस तरह से है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CGPA या ग्रेड्स। अब इसमें होता ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने चाइना में एडमिशन के लिए अप्लाई करना, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि मेरा CGPA जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो क्या मैं एडमिशन के लिए एलिजिबल हूँ, या मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा या नहीं। या कई लोग कहते हैं कि मेरा CGPA तो बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ या रिजेक्ट हो गया, उसकी वजह क्या है या क्यों इस तरह से हुआ है। तो उसके अलावा ये चीज़ आ रही होती है कि बाद का जो है वो लो रैंक वालों के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाते हैं और हाई CGPA वालों का किसी लो रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। और ये लो रैंक और हाई रैंक के ऊपर तो हम एक डिस्कशन पहले ऑलरेडी कर चुके हैं कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं और हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, ये लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो मतलब चाहिए डिटेल में तो यहाँ पे एक आपको मैं लिंक भी लगा दूँगी या डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो कि लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं। तो आज हम बात करते हैं CGPA के हवाले से। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू अगर आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है तो वो आपका CGPA के ज़रिए आपको जो ग्रेड्स आपके होंगे, और अगर आपने एनुअल सिस्टम में दिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो वो फिर आपका, या प्राइवेट आप कर रहे हो तो वो आपका होगा जो है वो ग्रेड्स, मतलब आपको मार्क्स के हिसाब से आपकी डिवीजन होती है। तो कई दफ़ा ये चीज़ हो रही होती है कि स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ आती है कि कितना CGPA रिक्वायर होता है। तो एक मैं अपना एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीज़ बता दूँ कि मिनिमम जो आपका CGPA रिक्वायर होता है, जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो है 3 CGPA। 3 CGPA वालों के हो जाते हैं एडमिशन, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई करना है, अगर आपकी प्रोफाइल तगड़ी है, प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये एक यहाँ तक पॉइंट हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि एडमिशन 3 CGPA वालों का हो जाएगा। अब 3 से लो CGPA अगर आपका है, 2.8 है, 7 है, और आप एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में तो क्या आपका एडमिशन होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, आपने प्रोफेसर को एक अच्छी सी CV बना के दी है जिसमें, और मेन चीज़ आपकी आ जाती है रिसर्च, क्योंकि आगे जो मतलब आपकी स्टडी सारी होती है, अगर आपने डॉक्टरल के लिए अप्लाई करना है या आपने MPhil के लिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली उसमें तो आपने करनी रिसर्च है। मतलब जितनी रिसर्च का टॉपिक आपका अच्छा होगा या आपके प्रोफेसर का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको हिट करता होगा आपका टॉपिक, तो आपकी जो एडमिशन जो है वो कंफर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। अच्छा, फिर ये चीज़ आ जाती है कि कई स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं, लो CGPA है और उनके एडमिशन वो चाह रहे हैं कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए। इसका आंसर भी यही वाला होगा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है कि जिनका CGPA लो है और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि एक चीज़ मैंने फिर दोबारा से रिपीट कर दूँ कि मैंने पहले क्लियर कर दिया हाई रैंक क्या है और लो रैंक क्या है। लेकिन फिर भी कई लोगों को वो मतलब कहने कि वो मेंटल साइकी इस तरह की होती है ना कि भी उन्होंने यही करना होता है कि हमें चाहिए टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए फिर आपको मैं ये चीज़ें गाइड कर रही हूँ कि आपका CGPA अगर आपका लो CGPA है तो या लो कम आपके ग्रेड्स हैं, ये सेकंड डिवीजन है मिनिमम आपकी, मतलब थर्ड डिवीजन वाला सीन ना हो, सेकंड डिवीजन तक मिनिमम आपकी हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर ये चीज़ है कि आपकी प्रोफाइल आप अच्छी बनाएं, स्टडी प्लान दें, रिसर्च प्रपोजल दें, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। PhD के लिए अप्लाई करें तो पब्लिकेशन आपके पास मस्ट होनी चाहिए। और अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है तो वो फिर भी आपका ज़्यादातर डिपेंड करता है सारा कुछ आपका कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी CV अच्छी बनी हुई है, प्रोफेसर को अच्छी लग रही है, और फिर उसके बाद आपके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं तो आपका उसमें भी एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो आई थिंक ये सारा हमने इन चीज़ों को क्लियर कर लिया कि लो CGPA अगर है तो एडमिशन होगा तो किस तरह से होगा, हाई CGPA है तो एडमिशन अगर होगा तो किस तरह होगा, या अगर रिजेक्ट होता है उसकी क्या वजह होती है। तो उसकी वजह यही होती है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी हुई, CV आपकी अट्रैक्टिव नहीं है। CV मतलब आप ये हिसाब इस चीज़ को इस तरह से कर लो,
आपने जाहिर है कि देखें रिसर्च करनी है तो आप सबसे पहले एक उसका प्रपोजल बना के देते हो, जितना अच्छा आपको प्रपोजल होता है तो आपके जो है वो एक्सेप्टेंस के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो CV भी उसी हिसाब से है। ये जॉब के लिए भी आप अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले जो है वो जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो CV देते हो तो आपको फिज़िकली तो किसी ने नहीं देखा हुआ, आपसे बात करके कम्युनिकेट करके किसी ने नहीं देखा आप कितने कैपेबल हो या नहीं हो। तो ये सारा डिसीजन होता है आपकी CV के ऊपर। आपकी CV अच्छी बनी हुई है तो आप बेशक उतने कैपेबल नहीं भी हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको कंसीडर किया जाता है। कंसीडर किस चीज़ के लिए कि आपको एटलीस्ट जॉब इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आपकी जॉब हो जाएगी, अगर आपके लो ग्रेड्स भी हैं। क्योंकि इस तरह से होता है ज़रूरी है बिल्कुल भी। अब देखें आप लोग खुद इस चीज़ को अगर मतलब एक जज करके देखें, एक्सपीरियंस करके देखें, तो ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि एडमिशन सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटीज में उन लोगों के ही हुए हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे CV पे हैं। अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट अच्छे तरीके से पास किया तो उनके भी एडमिशन हुए हैं। या उसके अलावा जॉब्स सिर्फ ये नहीं है कि आपने नम से पढ़े, आप नमल से पढ़े, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े, आप UL से पढ़े हो, आपके तभी एडमिशन जो है वो मतलब उन वहाँ से पढ़ के ही आपकी जॉब हुई है। तो बहुत सारे इस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं कि जिनके जो है वो किसी लो रैंक यूनिवर्सिटी से पढ़ के या लो CG पे होते हुए भी उनकी बहुत अच्छी जगहों पे जॉब भी हुई है। तो ये थोड़ा सा मैं इस चीज़ को कर दूँगी कि एक ये मिथ है। हाँ मतलब मैं उन ये इसको बिल्कुल ये नहीं करी कि मैं अप्रिशिएट उस चीज़ को करी कि जिन्होंने अच्छा पढ़ा है या जिनके ग्रेड्स जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं, ये चीज़ नहीं है कि भाई उन्होंने वहीं पढ़ा है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये है कि उन लोगों के लिए ये ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियो थोड़ी सी थी कि जो लोग समझते हैं कि हमारा लो CGPA है तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ख़त्म है बिल्कुल, अब हमारा एडमिशन होना ही नहीं है। तो उनके लिए फिर ये चीज़ है कि अपनी रिसर्च प्रपोजल अच्छा बना लें, अपनी CV अच्छी बना लें, अपना स्टडी प्लान अच्छा मतलब बना लें, उसकी बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो CGPA के हवाले से। आई थिंक आपके जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे तो वो हमने इंशाल्लाह कोशिश की है कि इनको हम क्लियर करें। और आई थिंक आप क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैंने इसको मतलब एक क्लियर कर दिया आप लोगों को। तो मेरी वीडियो जो है वो उसको लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे देखते हैं, कमेंट भी करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच रही रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।